वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त जीत ठाकुर और मेरे चैनल का नाम है किंग्स पिजन। और इससे पहले सूरज भाई की एक वीडियो जो देवबंदी की हमने डाली थी उसको आपने लाइक किया और शायद शेयर भी किया, क्योंकि वीडियो के कमेंट्स और जो व्यूइंग टाइम है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो आप सभी भाइयों ने, सूरज भाई आपकी वीडियो को बहुत सारे भाइयों ने लाइक किया, तो क्या बोलना चाहेंगे आप? थैंक्स बोलूंगा और आपको भी थैंक्स बोलूंगा जो आप हमेशा आके मेरे को सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट सिर्फ भाई ऐसा नहीं है, आप तो मेरे फैमिली मेंबर है भाई, आपको तो सपोर्ट करना बनता ही है मेरा। तो सूरज भाई, अभी ये जो वीडियो है स्पेशली हम सेल के लिए डाल रहे हैं, तो कितने पेयर होंगे सेल के लिए? वो 20 पेयर तो रहेंगे। 20 पेयर है सेल के लिए, सिंगल भी रहेंगे कुछ, कुछ सिंगल्स भी है। तो क्या रीजन है सूरज भाई कि अभी आप कबूतर बेच दे रहे हैं? लॉक छोटा हो रहा है, कबूतर बहुत बढ़ गए और बारिश का भी सीजन आने को है अभी। जी जी जी, तो इतने छोटे लॉक में ज्यादा कबूतर रहेंगे तो बीमारी बढ़ेगी। जी जी जी, थोड़ा कम करो। जी जी जी, तो सूरज भाई इतने अच्छे क्वालिटी पेयर्स हैं सारे, और सूरज भाई मिनिमम क्या फ्लाइंग टाइम हो सकता है आपके पेयर्स का? मिनिमम तो 4-5 घंटे ऐसे ही होंगे, 4-5 घंटे इजीली उड़ जाएंगे। इजीली आपको मालूम है। जी भाई, तो आए हुए हैं हम लोग सूरज म्हात्रे साहब के पास डोंबिवली में, फड़के रोड पे, अंबिका रेस्टोरेंट के सामने। फड़के रोड ये डोंबिवली का सबसे फेमस रोड है, स्टेशन के पास ही एकदम, बिल्कुल स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस है, 2 मिनट लगते हैं सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो जितने भी भाई आप सूरज भाई की वीडियो देखेंगे डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर रहेगा, आप कॉल करिए और सिर्फ जेन्युइन लोग ही कॉल कीजिए भाई, जिनको सच में कबूतर लेना है। और ये कॉल सिर्फ महाराष्ट्र, गुजरात और अपना हैदराबाद में ही, आप जितने भाई रहते हैं सिर्फ वही कॉल कीजिए, क्योंकि यूपी, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, केरला, यहाँ से बहुत सारे फोन्स आते हैं। तो भाई बहुत सारे आते हैं, वहाँ पे मैं भेज नहीं सकता। हाँ, तो वहाँ पे हम यूपी, यहाँ पे हम लोग नहीं भेज सकते। हाँ, आप अगर खुद आके ले लीजिए, खुद आके ले लीजिए तो हाँ, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम सूरज भाई के पास के सेल वाले, ब्रीडिंग वाले पेयर्स। तो भाई स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग एक पेयर से, तो ये कौन से कबूतर है सूरज भाई? ये फीके कल्सरे, जो बोलो आप, बजरे बोल सकते हैं इनको, फीके बोल सकते हैं आप, कल्सरे बोल सकते हैं, कल्सरे तो नहीं है ये, इनको बजरे ही बोलेंगे। बजरे ही जी, तो इनको बजरे बोलेंगे। तो ये एक पेयर है विद चिक्स, ये बच्चों के साथ दे देंगे आप? अगर बच्चों के साथ कोई लेने वाला रहेगा, बच्चों के साथ दे देंगे। तो भाई ये बच्चे कुछ इस तरह के हैं इनके, बच्चों के साथ ये पेयर सूरज भाई सेल कर रहे हैं, बिल्कुल ब्रीडिंग वाला पेयर है, क्योंकि बच्चे भी साथ में, सबूत के साथ में। तो स्टार्ट करते हैं नर की आंखों से भाई। ये है मेल, और मेल की आंख देख लीजिए आप भाई सबसे पहले, तो क्या बात है भाई, बहुत ही शानदार आंखों का कबूतर है ये, देखिए इसकी आंखें हैं। अभी सूरज नहीं है यहाँ पे, तब भी इसकी आंखें इतनी वाइट चमक रही हैं। और सूरज भाई क्या रीजन है कि कबूतर इतने, मतलब ये थोड़े मेले से हो गए हैं, इसको भी अगर देखेंगे आप मादी को, तो मादी भी थोड़ी मेली सी हो गई है। मैं दाल चावल सब मिक्स करके खिलाता हूँ ना। अच्छा, आपका घर का फूड? घर का फूड जो हम लोग दाल चावल, कुछ नॉनवेज रहेगा तो उसका रसा। जी जी जी, तो ग्रेवी भी सब चावल में मिक्स करके एक टाइम वो खिलाता हूँ, एक टाइम अपना जो दाने रहते हैं वही खिलाता हूँ। अच्छा, तो वही उसके कारण बच्चे भी देखिए कितने स्ट्रांग है, और पैर भी स्ट्रांग है। इसके पंख दिखा दीजिए सूरज भाई जरा, ये देखिए भाई इसके पंख की चौड़ान देख लीजिए आप, क्या बात है, पंजे दिखाइए इसके। और ये देखिए भाई कितने इसके पंजे एकदम गुलाबी, और जो बोलते हैं हम जिस क्वालिटी में पंजे होना चाहिए उसी क्वालिटी में पंजे हैं। ये देखिए कि पूंछ भी बंद ही है, ये देखिए भाई बंद पूंछ, क्या बात है। तो मेल तो दिखा दिया आपको, फीमेल की बारी है, मेल भी छोड़ के दिखा दिया, ये देखिए ये है उसकी फीमेल, फीमेल की भी आँख देखिए आप, डॉट्स देखिए आंखों के अंदर, क्या बात है भाई, तो क्लियर आंखों की कबूतरी है। ये देखिए इसकी आँख, क्या बात है, इसके पंख दिखा दीजिए, ये देखिए भाई इसके पंख कितने चौड़े पंखों के, और बिल्कुल मुड़े हुए पंख की पूंछ, ये इसके पंजे हैं, ये देखिए भाई बंद पूछ, क्या बात है। जब तक सूरज भाई कबूतर दिखा रहे हैं, जब तक आपको वापस से देवबंदी कबूतरों का शौक करा देते हैं। ये देखिए भाई देवबंदी फीका, और ये एक ललसिरी के पैर है भाई, हम बोलते हैं कलसिरे और उसके बाद आते हैं ललसिरे, तो ललसिरी पैर है एक सूरज भाई के हाथ में, और ये बहुत ही अच्छे उड़ान के धनी होते हैं भाई ये कबूतर, क्या बात है, बहुत शानदार है। तो मेल की आंखों से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ये देखिए भाई मेल की आंखें,
पीछे आप आते हैं, पूरी व्हाइट आंखों में है सारे कबूतर और सारे उड़े हुए हैं। सूर्य इसको ये देखिए भाई, ये इसके एकदम छोड़े वाले पंख, और ये सारे कबूतर आपने उड़ाए हुए हैं सूरज भाई? सब उड़ाए हुए कबूतर। क्या तो मिनिमम फ्लाइंग टाइम की अगर हम बात करें तो मिनिमम फ्लाइंग टाइम इनका 5 घंटे है। पूंछ भी देखिए बिल्कुल 2 पत्ती है। ये है इनको हेल्दी कबूतर है। फीमेल दिखा देते हैं अब आपको, इसकी फीमेल है और ये है इसकी आंखें। क्या बात है, वाह, पुखराज जी आंख जो बोलते हैं हम लोग सहारनपुरी कबूतरों में, उस आंखों में कबूतर है ये। पंख दिखाइए इसकी, ये देखिए इसके पंख और इसकी पूंछ और पंजे साथ में देख लीजिए आप। क्या बात है, क्या बात है, ये देखिए भाई इसके पंजे। क्या बात है, एक पत्ती पूंछ। पैर ही है ये देखिए, मेल जा रहा है मादी के पीछे और अंडे पे है अभी पैर। जो भी भाई लेंगे उनके पास तुरंत अंडे हो जाएंगे इन पैर्स के। और भाई ये देखिए भाई पैर, कलसी रे पिलंके। क्या बात है, शानदार पैर है। तो स्टार्ट करते हैं मेल की आंखों से। ये देखिए भाई मेल की आंखें, क्या बात है, कलसी रे जर्चे दिखा रहे हैं आपको अभी हम लोग। इसके पंख, इसके पंजे और ये पूंछ देख लीजिए भाई, सभी की एक पत्ती। यही उसकी फीमेल है जो कि जर्सी है। क्या बात है, और शानदार। ये इसके पंख है, ये है पंजे, ये पूंछ। भाई ये है इलाहाबादी कल्दुम में, कलचोचे कल्दुम में। क्या बात है, ये देखिए पैर भी शानदार है। क्या बात है, मेल की आंखों से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ये देखिए और ये कबूतर बहुत उड़ा हुआ है सूरज भाई के पास, इसके पंख हैं जी। इसके पंजे हैं, पूरा कल्दुमा कबूतर है। इसकी पूंछ इस तरह से दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए जी भाई, ये देखिए भाई कितना स्लिम बॉडी का कबूतर है, लंबा और पतला। और ये फीमेल है भाई इसकी, कलचोची कल्दुमी आई है भी इलाहाबाद में। क्या बात है, पूछ देखिए एक पत्ती और कल्दुमी है पूरी, ये देखिए। ये है इलाहाबादी बेदाग। क्या बात है, तीन नौका जी, तीन नौका, तीन नौका। क्या बात है, मोमी चोज भी बोलते हैं। आंख देखिए भाई आप, क्या बात है भाई, दूध के जैसी व्हाइट आंखें और रिंग्स देखिए आंखों में।
क्या बात है। सभी कबूतरों की पूंछ एकदम बंद है, ये देखिए, और सभी एकदम स्वस्थ है, ये देखिए दिख रहे हैं आपको यहाँ पे गुटरता हुआ। ये देखिए भाई, मादी और नर में बिल्कुल फर्क जानना बिल्कुल मुश्किल है, कि सेम टू सेम आंखें हैं दोनों की, पुखराज जी आंखें जो हम बोलते हैं। ये भी बंद पूछे कबूतरी है, यहाँ जाके बैठ गया भाई पैर ये। और ये है भाई राजस्थानी लल सिरे, क्या बात है भाई, बहुत शानदार, सेम टू सेम पेयर है। सूरज भाई के पास सारी कबूतर जो है सेम पेयर में लगेंगे मिलेंगे। सूरज भाई कितने सालों से रखे हैं आपने ये कबूतर आपके पास? अभी तो ये जो शौक बना है 4-5 साल का है। 4-5 साल का है, तो ये 4-5 साल पुरानी आपकी यादें आप बेच देंगे तो आपको तो याद भी आएगी इन कबूतरों की? कबूतरों की याद तो आएगी, बट अभी वो मेरे पास बीमार होने से अच्छा किसी के पास स्वस्थ रहे तो ज्यादा अच्छे है ना। क्या बात है भाई, बहुत ही अच्छा विचार है भाई सूरज भाई का। तो मेल की आंखों से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ये देखिए भाई मेल की आंखें, क्या बात है। सूरती देखिए भाई कबूतर, चौड़े पंख, पंजे एकदम गुलाबी, काली चोच, काले नाखून, पूंछ एकदम बंद, इसकी आंख देखिए भाई आप, ऐसा लग रहा है जैसे व्हाइट आंखों में किसी ने काला तिल लगा दिया अंदर से, क्या बात है। और पास ले चलते हैं आपको आंखों के बीच में, ये बीच में, क्या बात है। और ये सारे अभी अंडे पे हैं कबूतर, सारे ये जो इनके हैं, बच्चे हैं, इनके बच्चे हैं, तो ये बच्चों के साथ दे देंगे आप? इनके बच्चे तो रखूंगा अभी। तो इनके बच्चे बड़े हो गए या छोटे हैं अभी? बड़े हो गए अभी। अच्छा बड़े हो गए जी। क्या बात है, एक दूम का कबूतर है सारे। ये भाई देख लीजिए दुबास की पैर है बिल्कुल सेम, और इसकी वीडियो डाली थी जो 34,000 लोगों ने अभी तक देख ली है इस कबूतर की वीडियो। इनके बच्चे भी है मेरे पास, इनके बच्चे भी है और बहुत अच्छे कबूतर है। बच्चे दुबास ही मिले, वो भी चाहिए तो दिखा देता हूँ। इनके बच्चे भी दिखाएंगे आपको कि इनके बच्चे किस तरह से निकलते हैं। 3 बच्चे हैं इसके आपके पास टोटल? 3 बच्चे हैं, मगर 2 तो बिल्कुल इनके जैसे ही। जी जी जी, तो स्टार्ट करते हैं मेल की आंखों से। ये देख लीजिए भाई मेल की आंखें, क्या बात है। ये कबूतर खूबसूरती के धनी है भाई, खूबसूरती बहुत है इनमें, उड़ान भी बहुत अच्छी है। 10 पर दुबास, 10 पर ही दुबास जो बोलते हैं हम लोग, क्या बात है। ये देखिए भाई 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, क्या बात, 10 परी दुबास दिखा रहे हैं आपको। ये इसके पंजे हैं, इसकी पूंछ देख लीजिए आप, बिल्कुल जेट ब्लैक। क्या बात, ये देखिए, और फीमेल की आंखें दिखा देते हैं आपको अब। ये देखिए भाई, ये भी 10 परी दुबाज है? 10 परी दुबाज है, क्या बात है। दिखाइए इसके भी 10 पर भाई दुबाज, क्या बात है। 3, 6, 9, 10, क्या बात है। देखिए भाई इसके पंजे, ये इसकी पूंछ, और आ गया ये देखिए भाई, और ये देखिए नर, ये भी अंडे पे ही है पैर।
यार कि चलने की स्टाइल देखिए आप। वही फैमिली दिखा रहा है अभी आपको पूरी दुब्बास की, बिल्कुल सेम टू सेम बच्चे आए हुए हैं। ये देखिए माँ बाप में टोपी नहीं है लेकिन बच्चों में टोपी आई है। ये एक बच्चा है और ये एक बच्चा है। ये देखिए भाई ये है असली उड़ने वाले कबूतर। असली उड़ने वाले कबूतर, क्या बात है। कल पर है, कल दुम्बे बोलते हैं इनको। क्या आंखें पूरी लाल हो गई है, तो आप समझ जाइए कि भाई ये कबूतर कैसा उड़ा हुआ होगा। 6-7 घंटे इजी उड़ता है ये कबूतर तो भाई के पास। क्या बात है भाई, इसकी आंखें देखिए, इसकी पुतली देखिए नीचे की और सर की भी, मतलब घर के बहुत पक्के होते हैं ये कबूतर जी। सारे सेट पेयर दे रहे हैं आपको। क्या बात है, ये उसकी फीमेल है। शॉप कराते हैं आपको, ये देखिए क्या बात है। इसकी पुतली देखिए कितनी बारीक कर रही है कबूतरी। बंद पूछ, जब तक सूरज भाई अपने कबूतर दिखा रहे हैं जब तक आपको इन कबूतरों का शौक करा देते हैं। नीलदुम्बे की पैर लाए अभी भाई निकाल, नीलदुम्बे की पैर है भाई एक। क्या बात है, बहुत ही शानदार आंखों के कबूतर है। क्या बात है, ये देखिए इसकी आंखें। लास्ट में जो कबूतर उतरते हैं उनमें से एक है। तो लास्ट इसकी टाइमिंग क्या है सूरज भाई फिर? ये कुछ 5:30 बजे उतरा था। क्या बात है, बट अभी ब्रीडिंग पे, अभी ब्रीडिंग पे है। इसके पंख है, ये इसके पंजे हैं। ये इसकी बंद पूंछ। सारे कबूतर एकदम स्वस्थ है। ये इसकी फीमेल है। इसके पंखों की चौड़ान देखिए आप, क्या बात है। पंजे, पूंछ बिल्कुल बंद। भाई बहुत सारे सेल की वीडियो आप देखते ही होंगे, लेकिन सेल की वीडियो में जो क्वालिटी मिलना चाहिए भाई आपको, वो क्वालिटी अगर नहीं मिली तो फिर कबूतर लेके कुछ मतलब नहीं है। क्वालिटी मिलना भी इम्पोर्टेंट है। अगर कोई सेल कर रहा है तो देखिए, जैसे कि सूरज भाई ने अपने रीजन साफ करे कि भाई कबूतर उनके पास ज़्यादा हो गए, अभी बारिश आने वाली है, उनके पास जगह बहुत कम है, इतने से लॉफ्ट में बहुत सारे कबूतर हो गए हैं, तो इसके लिए वो कबूतर बेच रहे हैं। तो अच्छे कबूतर आपको सिर्फ उसी व्यक्ति से मिल सकते हैं जो अच्छा शौकीन हो, ना कि अच्छा सेलर हो। हो सकता है जो सेल कर रहे हो कबूतर उनको मेरी बात का बुरा लगे, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है। ये फुलसुरो का एक पेड़ है। ये कबूतर चाहे उड़ाओ या ब्रीड करो, दोनों में एक नंबर। क्या बात, इनकी आंखें ही बता रही भाई कि ये एक नंबर है एक्चुअली।
तो ये मेल की आंखें हैं, क्या बात है, बहुत शानदार। ये इसके पंख है, ये इसके पंजे हैं, पास से दिखाइए पंजे थोड़े, क्या बात है जी, पूछ और ये बंद पूछ, क्या बात है भाई, देखिए अंगूठे कहाँ है, कबूतर पूछ बंद कहाँ कर रहा है, ये देखिए सारे कबूतर एकदम स्वस्थ, इसके सबूत भी दे रहे हैं आपको, कबूतर उड़ के जा रहे हैं खुद। फीमेल की आंखें दिखा देते हैं आपको, क्या बात है भाई, ये काली कोरों में देवबंदी में कबूतर आते हैं, तो कहीं ना कहीं देवबंदी में क्रॉस है ये मादी, ये देखिए इसकी आंखें, क्या बात है भाई, छोटी पुतली की कबूतरी जो बोलते हैं हम लोग, पुतली की कबूतरी है जी, और सारे सेट पेयर और सारे ब्रीडिंग पेयर है, ये नहीं कि भाई ये इसकी मादी है होगी ये डाउट है, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे किसी भी तरह का, जो है सेट है एकदम पैर, सेट पैर ही दिखा रहे हैं आपको। पूछ देखिए बिल्कुल बंद, और भाई ये एक शाहजहाँपुरियों का पैर है भाई, और ये थोड़ा कॉस्टली आएगा आपको, ये जो आपने अब नॉर्मल कबूतर देखे उनसे कॉस्टली है ये कबूतर शाहजहाँपुरी, क्योंकि इनकी क्वालिटी जो होती है भाई, क्वालिटी की कोई बात ही नहीं होती है, तो सेट पेयर है। तो ये देखिए भाई इसकी आँखें, थोड़ी चोच इसकी खुली हो गई आपके हाथ से, थोड़ी चोच इसकी, हाँ क्या ये देखिए, प्योर शाहजहाँपुरी कबूतर वाइट रिंग्स, क्या बात है, ये इसके पंख हैं, पंजे भी देखिए आप कितने जामुनी से हैं पंजे इसके, ये देखिए ये इसके पूंछ है, ये इसकी फीमेल है, दोनों की दोनों एकदम व्हाइट टार्कों में है, क्या बात है, देखिए दूर से भी इसकी आंखों में का डॉट कितना जबरदस्त दिख रहा है, ये देखिए पास से ले जाने के बाद तो जी। तो भाई इससे पहले आपने जो दुबास जोड़ा देखा और ये जो जोड़ा आप देख रहे हैं भाई, ये थोड़े कॉस्टली पड़ेंगे आपको, बाकी सारे कबूतर आपको जो रेट में भार है वही रेट में आपको यहाँ मिल जाएंगे जी। भाई तो ये कल पर है, कलदुम्मे का एक पैर दिखा रहे हैं आपको, और ये 100% ये गारंटेड पेयर, सारे उड़ने में एक नंबर जो कबूतर है वो ये कबूतर है। और इनकी टाइमिंग की बात करें तो सूरज भाई क्या टाइमिंग है इनका, इनको भी शाम शाम तक उड़े हुए कबूतर, क्या बात है भाई। तो मेल की आंखों से स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो भाई ये जो कबूतर आप देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं पाकिस्तानी ब्लड लाइन में से क्रॉस हुआ कबूतर है, कल चोचा 35 वालों में से भी हो सकता है जी। और इसकी उड़ान की गारंटी है भाई फुल, इसके पंजे देख लीजिए आप और आप खुद ही बोलिए कि भाई ये कबूतर की गारंटी कितनी होना चाहिए, इसकी पूंछ है, ये उसकी मादी है। सूरज भाई अभी कबूतर बेच रहे हैं क्योंकि इनको एक ही कलर बनाना है, इसके लिए भी कबूतर बेच दे रहे हैं बहुत सारे, जी
के भी पंजे देखे, और आप क्या बात है, नर के देखे आपने, मादिन के भी सेम पंजे, ये देखिए ये सिंगल पट्टी जोड़ा और ये जोड़ा। और ये भाई कुछ कबूतर उड़ गए हैं अभी, और ये देखिए भाई कबूतरों का समुद्र। ये देखिए दुबास का बच्चा है, कितना प्यारा चाल में उड़ रहा है, ये देखिए। ये सूरज भाई के भाई सारे कबूतर अभी बाहर आ गए हैं, जो सेल के कबूतर थे। तो यहाँ पे कुछ सिंगल और एक पेयर है जो कि सेल के लिए है। ये जो ललसिरे पेयर आप नीचे देख रहे हैं, ये देखिए जले हुए छापदार जिनको बोलते हैं, ये सेट पेयर है। और ये एक नर सिंगल है, और ये एक पीछे जो बोलते हैं हम लोग अंबर सरे, ये एक सिंगल है, और ये एक जो नर गुटर रहा है ये एक सिंगल है, बाकी ये एक मादिन है ये जो ऊपर बैठी है ये, और इसका नर ये है यहाँ पे, ये देखिए। ये जो है ये सारे कबूतर ये भी सेल के लिए अवेलेबल है, एक पेयर है और दो नर है, और एक वाइट मकोया है इसमें, ये देख लीजिए भाई। अभी सूरज भाई के सारे कबूतर आप देख लीजिए यहाँ पे एक साथ आपको दिख रहे हैं, और कुछ अभी भी उड़ रहे हैं, और कुछ तो बहुत ज्यादा ऊपर चले गए हैं। कैसे दिखाऊं आपको, हाँ यहाँ दिख रहे होंगे अगर आपको, तो ये भी छोटे छोटे दिख रहे हैं, बहुत ऊपर है, ये देखिए। तो सूरज भाई अगर कोई एक साथ ये 15-16 जितनी भी पेयर से एक साथ अगर ले तो निगोशियेबल, बहुत अच्छा खासा रेट में दे दूंगा, खुश हो जाएगा। जी जी जी, खुश हो जाएंगे आप सामने वाले जो भी लेंगे कबूतर। तो भाई इसमें स्टार्टिंग रेंज में आपको बता देता हूँ, 3000 से ये पेयर स्टार्ट हो रहे हैं। तो सारा जो आपने शाहजहापुरी देखा वो थोड़ा कॉस्टली है, दुबास का जो है वो थोड़ा कॉस्टली है इसमें, तो 3000 रुपीज से स्टार्ट हो रहे हैं, और निगोशियेबल है अगर कोई एक साथ लेता है तो, ठीक है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई कि रेट नहीं बताते जीत भाई, तो 3000 रुपीज से स्टार्ट है सारे पेयर और निगोशियेबल है, आप इसमें बार्गेनिंग कर सकते हैं। बार्गेनिंग करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम उसको कभी भी छोड़ेंगे नहीं, बार्गेनिंग जरूर करेंगे। ओके,
तो मैं हूँ आपका दोस्त जीत ठाकुर। और सूरज भाई कुछ मैसेज हो जाए जाते जाते, ये क्या कर रहे हैं आप? ये दाने जो है आपने, ये मैं देख रहा हूँ, ये दाने धो के साफ करके सब खिलाता हूँ। अभी क्या रीजन है उसका कि आप दाने धो के खिला रहे हैं? इसमें पानी निकलेगा जी। साफ करके देने का रीजन ये रहता है कि दानों के ऊपर केमिकल्स छिड़काए जाते हैं जी जी जी, और उसके वजह से कबूतर को जो बीमारी आती है ज्यादातर के उससे ही आती है जी जी जी। और अगर आपने अगर नोटिस किया रहेगा कि कबूतर को वो जो पॉक्स आते हैं जी जी जी, बहुत बोलते हैं मच्छर काटने की वजह से आते हैं जी, अगर मच्छर काटने की वजह से अगर पॉक्स आते हैं तो वो हर एक जानवर को, हर एक पंछी को आते हैं जी, सिर्फ कबूतर को नहीं आते जी जी जी। ये जो पेट खराब हो जाता है जी, और जब अंदर से ही खराब हो जाता है तो हीट हो जाती है, हीट होने की वजह से पॉक्स आना शुरू हो जाता है। ओके, आप ये साफ करके दाने खिलाओ जी तो पॉक्स नहीं आएंगे। पॉक्स के बच्चों को कोई बीमारी नहीं आएगी। क्या बात है, कबूतर को कोई कबूतर बीमार नहीं रहेगा जितना साफ आप रखोगे दाना पानी। तो ये भाई सूरज भाई के कबूतर आप देख लीजिए, एक भी कबूतर बीमार नहीं है। तो ले चलते हैं आपको अंदर भी, अंदर का भी सेटअप दिखा देते हैं आपको। ये कुछ इस तरह से छोटी सी जगह में एक बहुत अच्छा सेटअप बनाया हुआ है। बहुत सारे बच्चे, हर बार बच्चे निकालते हैं, ब्रीडिंग बहुत अच्छी करते हैं सूरज भाई, एक्चुअली ब्रीडर बहुत अच्छे ब्रीडर है। क्या बात है, ये न्यू चिक्स है, वाओ। तो भाई स्वस्थ और अच्छे कबूतर अगर आपको लेना है तो सूरज भाई से संपर्क कीजिए। सारे कबूतर सेल के लिए अवेलेबल है अलोंग विथ हिज बेबी। Lots of baby also available along with mature pairs. So if you are interested, please call. I will share Suraj Bhai's number on description box. So if anybody interested, please call. तो भाई मैं हूँ आपका दोस्त जीत ठाकुर और मेरे चैनल का नाम है किंग्स पिजन। और जो सेल का एक कबूतर था वो देखिए ये उड़ रहा है, ये सेल वाला कबूतर ही एक उड़ रहा है मेरे से, बहुत प्यारा उड़ता है वो। तो मेरे चैनल का नाम है किंग्स पिजन, आप सभी के चैनल का नाम है किंग्स पिजन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए धुरंधर के साथ। जब तक के लिए अपने दोस्त जीत ठाकुर को इजाजत दीजिएगा, अफवाहों पे विश्वास मत कीजिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।